हाय रावण, तुम्हारा अंत होगा 24 तारीख को, ठीक है? जो राम जी करेंगे आपका वध, तो टेंशन नहीं लीजिए, आप लोग बन के रेडी हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। तो गाइस, अभी हम लोग आ गए गांधी मैदान जो पटना का है, ठीक है? यहाँ पे इसलिए आए ताकि आपको दिखा सकते हैं यहाँ पे, मतलब जो रावण दहन होने वाला दशमी के दिन, उसका किस तरह का तैयारी यहाँ पे चल रहा है, किस तरह का सर बना हुआ है, किस तरह का बॉडी बना हुआ है, किस तरह का मतलब नीचे का चरण बना हुआ है। तो 70 फीट का रावण, 65 फीट का मेघनाथ और 60 फीट का मतलब कुंभकर्ण जलने वाला है हमारे गांधी मैदान में पटना का, ठीक है? चलिए आपको दिखाते हैं किस तरह से मतलब बना हुआ है, ठीक है? तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना चाहिए और वीडियो को तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। चलिए आपको दिखाते हैं गाइस। गाइस देख सकते हैं जो बीच का पार्ट है, मतलब जो मतलब रावण का, मेघनाथ का और कुंभकर्ण का यहाँ पे बन कर रेडी है। इसी के अंदर जो सर मतलब डाला जाएगा, देखते कितना बड़ा है, मतलब इसके अंदर सर कितना बड़ा होगा, अब अंदर जाकर दिखाएंगे आप लोग को, ठीक है? देख सकते हैं काफी यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नीचे का पार्ट है, जो मतलब जमीन पर रखा है उसका है, टोटल मिला के एक ये एकदम बड़ा सा हो गया, देख सकते हैं आप लोग, एक ये हो गया और अंदर इसका सर रखा हुआ है, आपको दिखाते हैं, ठीक है? अब काफी मतलब 70 फीट का रावण है, 65 फीट का मेघनाथ और 60 फीट का कुंभकर्ण है। तो वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा, ठीक है? और चलिए अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं अंदर का सीन क्या है क्या नहीं, और देख सकते हैं। और यहाँ से आप लोग को यहाँ का आपको नजारा दिखाता हूँ कि जो नीचे का पार्ट है ना, किस तरह से बनाया गया है। इसके अंदर पूरे क्रैकर्स होंगे जो कोलकाता से इको फ्रेंडली आएंगे, और उसके बीच में भी क्रैकर होंगे ताकि आग लगने पर आपको दिखाया जाएगा, ठीक है? एक इधर है, एक वहाँ, एक यहाँ, दो और एक उस साइड, तीन गो मतलब यहाँ पे। चलिए अंदर चलते हैं, फिर आगे अंदर आपको क्या सीन है क्या नहीं आपको दिखाते हैं। तो फाइनली गाइस, अभी हम लोग अंदर आ चुके हैं, ठीक है? जहाँ पे रावण का मतलब पुतला बना हुआ है, देख सकते हैं कि जो 70 फीट का रावण है, ठीक है, 65 फीट का मेघनाथ और 60 फीट का कुंभकर्ण जलने वाला है। तो रावण का पुतला छोटा सा है, ठीक है? और बड़ा बड़ा जो सर देखिए कितना बड़ा है गाइस, और ये माउथ इधर देख सकते हैं, मेघनाथ इधर, कुंभकर्ण, मतलब बड़े बड़े एकदम चीज लगे हुए। इधर चलते आपको दिखाते हैं, इधर देख सकते हैं कि पूरा मतलब जितना सजाने का समान है यहाँ पे मतलब बनाया जा रहा है, जितना भी इसमें पटाखे होंगे जो कोलकाता से इको फ्रेंडली मतलब क्रैकर्स आएंगे, और देख सकते हैं पूरा मतलब चेहरा किस तरह से, ठीक है? और इधर देखिए गाइस, मतलब बहुत बड़े बड़े मतलब बनाए जा रहे हैं, देख सकते हैं कितना बड़ा मतलब सर है। इतना तो मेरा हाइटो नहीं होगा भाई, देख लो क्या हाइट है, सर देख लीजिए काफी बहुत बड़ा है। और इधर देखिए बहुत ही औसम मतलब सर है, मतलब अंदर से बाहर इनकी बॉडी है, ठीक है? जैसे मैंने आपको दिखाया शुरू में, ठीक है, ये देख सकते हैं रावण। हाय रावण, तुम्हारा अंत होगा 24 तारीख को, ठीक है? जो राम जी करेंगे आपका वध, तो टेंशन नहीं लीजिए, आप लोग बन के रेडी हैं। और आप लोग इसका मजा लेना चाहते हैं तो पटना के गांधी मैदान में पहुंच जाइए दशमी के दिन, और आपको इसका एंजॉय फुल ऑन मिलने वाला है। और थोड़ा इसके बाद हमारे राज रोशन भैया कुछ बताएंगे। ये 70 फीट का यहाँ पे रावण जलाया जा रहा है, 65 फीट का मेघनाथ और 60 फीट का जो है कुंभकर्ण जलाया जा रहा है पटना के गांधी मैदान में। और बिहार के ही जो है कारीगर यहाँ पर, जो है पूरे बिहार के कारीगर यहाँ पे काम कर रहे हैं। चलो इको फ्रेंडली जो पटाखे होंगे जो कोलकाता से आएंगे, आपको वही मतलब जलने वाले इस बार इस रावण दहन में, ठीक है गाइस? तो फाइनली गाइस, आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट डाउन करना, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा क्योंकि रावण दहन का जो भी प्रोग्राम है उसका मैंने अपडेट दिया है। तो कैसा लगा आपको ये अपडेट प्लीज कमेंट डाउन करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर से पूरा भर देना, ठीक है? मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय।